हेलो एवरीवन, रूबी होम रेस्टोरेंट में आज की हमारी रेसिपी है दही पुलकी। और ये दही पुलकी हम बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के साथ, तीन टेस्ट के साथ एक ही बैटर से। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू सो मच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है बेसन, और बेसन में मैं ऐड करूँगी अजवाइन, और अजवाइन के साथ इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड कर दिया, और आप करेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। तो इसमें पानी डालने से पहले एक बार हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेसन के साथ मिर्च, नमक और अजवाइन सब मिक्स हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी ताकि हम इसका बैटर बनाएं। तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स करते हैं। और इसमें एक साथ पानी नहीं डालें ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हमें कितनी थिकनेस रखनी है इसकी, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। और इसको हमें फेंटने में या इसको हमें बैटर बनाने में कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह का कर लिया है ये बैटर। तो 5 मिनट हो चुके हैं और अब मेरा बेसन तैयार हो गया है, ये बैटर तैयार हो गया है, और अब हम पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। ऑयल एकदम गर्म कर लिया है और अब हम इसमें बनाते हैं फटाफट फुल्कियाँ। गैस को भी हमने मीडियम किया हुआ है, और जब ये सारी पकौड़ियाँ इसमें डल जाएंगी, फुलकियाँ डल जाएंगी, तो उसके 1 मिनट बाद हम इनको टर्न करना शुरू करेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया है और हम इनको टर्न करते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और ये हमारी फुलकियाँ तैयार हो गई हैं। तो बस अब हम इनको निकालते हैं। फुलकियों में इसी तरह का कलर लाएं, ना इससे ज़्यादा डार्क करें और ना इससे ज़्यादा लाइट। चलिए एक तरह की तो हमारी ये फुलकियाँ बन गई हैं, और हम दूसरी तरह की बनाते हैं। तो जो बैटर बचा था उसमें मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया है। तो इन फुलकियों के लिए हमें जिस तरह का टेक्सचर चाहिए बेसन का, तो उसमें हमें पानी और ऐड करना है। तो एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, वरना इसमें हम थोड़ा पानी और मिलाएंगे अभी। तो इसमें थोड़ा पानी और हमें मिलाना पड़ेगा। तो ये मैंने मिला दिया और अब हमारा बैटर तैयार है। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है इसके लिए। तो तेल हमारा फिर से गर्म था और इसमें हम डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें मैंने तेल थोड़ा कम कर दिया है। और ये कम तेल में बनने वाली फुलकियाँ हैं, तो इसमें हमें इतना ही तेल रखना है। तो चलिए टर्न कर लेते हैं इनको भी। इन फुलकियों को हमें थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। तो हमारी ये फुलकियाँ भी तैयार हो गई हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक ही बैटर से बनने वाले ये तीन तरह के टेस्ट दही फुलकियों के, तीनों बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन डिश है तीनों। तो ये निकालने के बाद अब हम जो बाकी बैटर बचा था उसकी भी पकौड़ियाँ बना लेते हैं, फुलकी बना लेते हैं। तो ये भी हो गई हैं और हम उनको टर्न करते हैं फटाफट। बट एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, इसके लिए आपको ऑयल कम ही लेना है, ज़्यादा ऑयल में ये इस तरह का नहीं बन पाएंगी। तो एक बार और फटाफट से चेक करते हैं, टर्न करते हैं। तो देखिए इस साइड से भी हमारी फुलकियाँ तैयार हो गई हैं और अब हम इनको जल्दी से निकालते हैं। और अब हमने ये पानी गरम किया है और उसमें नमक डाला था 1 स्पून, और उसमें ये मैं डाल रही हूँ जो पतली वाली हमने फुलकियाँ बनाई थी वो, और इसको हम सोक करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। तो ये 1 मिनट हो गया है और अब मैं इनको निकालना शुरू करती हूँ। तो हल्का सा इसको प्रेस करेंगे पानी में डालने से, एक तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी और दूसरा इसका जो ऑयल होगा वो थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो मैं बाकी की जो फुलकियाँ थी जो मैंने थोड़ी बड़ी वाली बनाई थी वो इसमें डाल देते हूँ, और इनको भी स्क्वीज़ करके निकाल लिया है। और अब हम तैयार करते हैं दही।
तो दही को थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। ये मैंने सिर्फ गार्लिक पेस्ट लिया है 1 स्पून, और इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें मिर्ची बाद में भी ऐड करना है। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक, और ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे चिल्ड मिल्क, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, एक साथ नहीं करना है। तो दही हो गया हमारा तैयार, और अब हम डिश आउट करते हैं हमने तीनों तरह की दही फुल्की। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी 3 डिफरेंट टेस्ट में दही फुल्की। तो सबसे पहले हम तीनों डिशेस में ऐड करेंगे दही। और इसमें मैं ऐड करूंगी दही जो मैंने मिल्क डालने से पहले निकाल लिया था, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है ज़्यादा, तो इसको मैं ऐड करूंगी। और इसमें ये मैंने तीनों मसाले ऐड किए हैं, भुना हुआ जीरा, काला नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। और जो मैंने पतली पतली वाली जो पतले बैटर से बनाई थी फुल्की, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। इसको हम पुरानी दिल्ली के मशहूर चाट लौंग चूरा की तरह बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज ऐड की है। और अब मैं इसमें ऐड दूसरी डिश में ऐड कर रही हूँ सौंठ, खटाई, खट्टी मीठी चटनी यानी और हरी चटनी। और इसमें ऐड करेंगे हम आलू भुजिया। तो वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, आप इस वाली डिश को ज़रूर बनाएं इस तरह से। और अब मैं दूसरी डिश में डाल रही हूँ हरी चटनी, और ऐड करूँगी इसमें सौंठ, खट्टी मीठी चटनी। और इसी के साथ हम इसमें भी ऐड करेंगे आलू भुजिया। और अब हम बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। तो ये बिल्कुल डिफरेंट दही फुल्के से बनी हुई, सेम फुल्के हमने बनाई, बस मोटे और पतले का फ़र्क था। तो हमने 2 डिफरेंट तरह की प्लेट बना ली है। और अब हम तीसरे की तैयारी करते हैं। तो ये हमने ज़ीरा फ्राई करके इसमें डाला है, और जो बहुत ही बेहतरीन तीसरी डिश भी हमारी है। और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कोरिएंडर से, हरा धनिया कटा हुआ हरे धनिए से। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन तीनों डिश हैं हमारी। तो एक ही बैटर से हमने 3 तरह की दही फुल्की बनाई, और तीनों का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। तो आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक बार फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये तीनों डिशेज़ आपको कैसी लगी।